तो ये निकाल लिए मैंने सारी जरूरत वाली चीजें। सो हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वॉचिंग पेटशाला। तो जैसे कि आपने कल का वीडियो देखा ही होगा कि हमने ये जो पॉन्ड है वो सेट किया था हमारे बाकी फिशेस के लिए। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो देख लीजिए ताकि आज का वीडियो आपको समझ में आए। और ये मेरे हाथ में क्या है, जैसे कि मैंने कल ही बताया था आपको कि हमारे फिशेस इससे निकालने हैं और पूरा पॉन्ड जो है वो मुझे खाली करना है। तो चलिए, क्लाइमेट थोड़ा सा वापस ख़राब होने लगा है, तो यार जितना हो सके मैं कर लूँगा और अगर हमारे फिशेस भी मैं इसमें डाल सकता हूँ जितना हो सके तो उतना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वही एक बड़ा टास्क है। और क्लीनिंग वाला, जैसे कि आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी जो है, जो एल्गी है, डेड एल्गी, वो इसके नीचे है। तो यार अभी क्लाइमेट अच्छा था, वापस बिगड़ गया, इसीलिए मैं सोच रहा था ये सेम डे है, कल का ही वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि क्लाइमेट अच्छा है इसीलिए हम कर लेते हैं। फिर आप देख सकते हो कितने ज़्यादा बादल अभी आ रहे हैं, हवा तो चल रही है लेकिन। तो चलिए फटाफट, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट सारे फिशेस जो है वो इसमें निकाल लूँगा। तो यार ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है हमारा पॉन्ड, इसके ऊपर की जाली खोल दी है मैंने तो कितना मस्त दिख रहा है यार, लेकिन बर्ड्स की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं पानी निकालने से पहले हमारे सारे जो टर्टल्स और फिशेज हैं उनको निकाल लूँगा और उसके बाद हम इसका जो क्लीनिंग है वो करेंगे। तो चलिए पहले मैं टर्टल्स निकालूंगा, टर्टल्स को भी इसके अंदर डाल दूंगा। तो टर्टल्स टर्टल्स कम ऑन, आ जाओ, अंदर मत भागो। मिल गया। ओह कैसे आवाज़ किया इसने, शायद आपने सुना होगा। कम ऑन हमारा निंजा टर्टल। ये देखिए यार कितने प्यारे दिख रहे हैं इसके अंदर, वाह बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। तो चलिए अभी फिशेस को निकालते हैं। तो फिशेस को मैं इसके अंदर निकाल के फिर उसके अंदर ऐड करूँगा, क्योंकि एक एक फिश निकाल के इसके अंदर जाना, अंदर बाहर करना, क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है और ये बहुत फिसलता है, तो मुझे बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, नहीं तो हाथ पैर टूट सकते हैं खाली फोकट। तो मैं इसको पहले अंदर डाल देता हूँ, इसका पानी थोड़ा भर लेंगे। ओके इतना काफ़ी है, अगर ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से मैं वापस धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करता रहूँगा। तो चलिए मैं अंदर उतरता हूँ हमारे दो हथियार लेके और चालू करते हैं हमारा काम। वो हो यार, ये जो वाइल्ड फिशेज मैंने इसमें डाले हैं ना, तो मुझे लगता है कि इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो चलिए मैं पकड़ लेता हूँ अभी फिशेज को। कुछ पत्थर वत्थर पड़े होंगे, ये देखिए मैं इस चीज़ की बात कर रहा था गाइस, कितना बड़ा हुआ है देखिए, वाह कितने सारे फिशेस हैं, ये देखिए दिख ही नहीं रहे यार इसमें, कैमोफ्लाज इनका तो खतरनाक है। तो पहले पत्थर वत्थर निकालूंगा, नहीं तो उसके ऊपर पैर गिरेगा तो यार पड़ सकता है नीचे वाला अपना जो लाइनर है वो। चलिए अभी फिश पकड़ के मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। तो गाइस जितना सोचा था उससे तो कई ज़्यादा मुश्किल है, ये फिशेस तो मैंने निकाल लिए लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे फिशेस जो है वो इसमें बाकी है और भी, और इनका जो कैमोफ्लाज है वो इतना खतरनाक नेक्स्ट लेवल है कि ये दिखते ही नहीं है, और सारे कोनों में जाके बैठते हैं, ऐसे कई क्रैक्स में घुस जाते हैं अंदर, तो वो मिलते ही नहीं है। और जो मैंने लोचिस लाई थी वो तो अब तक एक भी नहीं मिली है, तो सारी छुपती है। तो जैसे मैं पानी ये नीचे करूँगा तो ये आ सकती है, तो मुझे पहले पानी ड्रेन करना पड़ेगा अभी। तो ये देखिए इतने सारे फिशेज अभी मैंने पकड़ लिए हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे फिशेज हैं, लेकिन लास्ट टाइम जो हमने क्वांटिटी देखी थी उससे तो बहुत ही कम है, इसका मतलब हमारे जो टर्टल्स हैं इनके ऊपर बहुत ही अच्छे से फीड कर रहे हैं। तो चलिए अभी मैं इसका पानी ड्रेन करता हूँ और धीरे धीरे जैसे जैसे फिशेज मिलेंगे वैसे वैसे मैं इनको निकालूंगा। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एल्गी, आप बोल ही नहीं सकते कि ये मैंने बनाया है, और इसके ऊपर जो एल्गी उगा है तो एकदम रियल रॉक जैसे दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो ये देखिए। और ये हमारे फिशेस के लिए बहुत ही हेल्दी है, हेल्दी फूड है, तो आप देख सकते हो कि यार इसका लुक ही चेंज हो गया इसके ऊपर एल्गी आने के बाद। ये देखिए यहाँ का तो देखिए कितना वंडरफुल दिख रहा है, ये देखिए और भी नीचे फिशेज है जो कि वो क्रैक्स में घुस जाते हैं और फिर मिलते नहीं है, तो पानी ड्रेन करने के बाद हमें मिल जाएंगे। तो चलिए पानी ड्रेन करने को शुरुआत करते हैं, और यार बादल भी बहुत आ गए तो बारिश कभी भी आ सकती है। तो गाइज मैंने ये छोटा पॉन्ड इसलिए भरा है क्योंकि हमारे टर्टल्स और सिमरन इसमें जाएगी, नहीं तो यार इसमें मेरे बाकी के फिशेज रखूँगा
तो सारे ख़त्म हो जाएंगे और मुझे ढूंढने पड़ेंगे कि है कहाँ पे सारे। तो चलिए इनको अभी शिफ्ट करते हैं इसमें। और हमारे सिमरन को भी शिफ्ट कर देते हैं। तो यार इसने बस जंप नहीं करना चाहिए, ये टेम्परेरी है। मैं अभी इसको नीचे लेके जाऊंगा, टर्टल्स को और इसको। तो ये देखिए अभी मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, या फिर दूसरी कोई चीज़ उसके ऊपर रख दूंगा ताकि वो जंप ना कर पाए। ये उठाऊंगा अभी, ये गिरना नहीं है भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे यार गाइस, मैं इसको बाहर निकाल के आपको ऐड करते टाइम दिखाता हूँ। मैंने इनको निकाल लिया है, लेकिन बैलेंस करना मतलब बहुत ही डेंजर है, और हमारे कप्पी फिशेस भी बहुत ही ज़्यादा जंप कर रहे हैं। तो चलिए अभी इनको ऐड करते हैं। जितनी भी गंदगी है जाएगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको इजीली ड्रेन आउट कर सकता हूँ। अरे जाओ जाओ भाई, जाना नहीं है क्या? ये देखिए ये फीमेल, तो इसमें सक्सेसफुली अभी जा चुके हैं। तो जब मुझे ये गंदगी निकालनी होगी तब मैं आपको दिखा ही दूंगा कि मैं कैसे क्लीन करने वाला हूँ इसको। तो इसमें बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं, लेकिन इसको ढकना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको इसका ड्रेनिंग चालू करते हैं। तो यार ड्रेनिंग चालू कर दिया है, लेकिन पानी देखिए कितना कम आ रहा है, ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही टाइम लगने वाला है। और मैंने इसमें जाली लगा दी है ताकि हमारे फिशेस भाग ना पाए। तो ये टेक्निक मैं बहुत ही शुरुआत से यूज़ कर रहा हूँ, और इससे जितने भी बेबीज होंगे वो इसमें अटक जाते हैं और फिर रेस्क्यू हो जाते हैं। तो पानी यार बहुत ही स्लोली ड्रेन हो रहा है, तो आप सोचिए कितना टाइम लगने वाला है अभी इसको ड्रेनिंग में। तो खैर जितना भी लगेगा उतना अभी लगने ही वाला है। तो चलिए अभी मैं इसको ड्रेन कर लेता हूँ। ये देखिए कितनी बड़ी ज़्यादा लेयर हो चुकी है एल्गी की, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, अराउंड 1 इंच की लेयर है ये देखिए। गाइज इसमें टाइम तो लग रहा है, लेकिन बहुत ही अलग ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये देखिए कैसे खींच रहा है, ये देखिए बहुत ही मस्त लग रहा है। लेकिन यार बस इतना सा क्लीन हुआ है इतने टाइम में, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। और वहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई है, सारा ग्रीन डार्क ग्रीन एल्गी दिख रहा है। और इतना क्लीन करना अभी भी बाकी है, मतलब ये नीचे पूरा गंदा करने वाला है, और अगर ये दिखेगा तो बहुत गालियाँ पड़ने वाली है। तो चलिए मैं वापस अभी इसको क्लीन कर लेता हूँ। ये देखिए कैसे बहुत ही मस्त तरीके से खींच रहा है। तो यार इतना धीरे धीरे चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आज ये पूरी तरह से कंप्लीट होगा, क्योंकि अंधेरा भी थोड़ा थोड़ा होने लगा है। और यार ये बहुत टाइम ले रहा है, इसको ठीक से क्लीन करना पड़ेगा और फिर अच्छे से सुखा के इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो सिलिकॉन है, देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा कट है, ये देख सकते हो नीचे वाला जो टारपोलिन है वो भी दिख रहा है। इसी वजह से शायद जो पानी है वो ज़्यादा निकल रहा है, और ये यहाँ पे भी कई था। ये देखिए फिशेस, ये देखिए हमारा डॉक्टर फिश कितने बड़े हुए हैं। तो खैर ये क्लीन करने के बाद ही पता चलेगा कि काका लीकेजेस है। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये सिलिकॉन, पहले मैंने सोचा था कि ये सिलिकॉन पहले लगाया हुआ है वो मैं निकाल दूंगा, लेकिन नहीं, मैं इसी के साइड में क्लीन करके वो जो टेप है वो लगा दूंगा, तो डबल सेफ्टी हो जाएगी। अगर हमारा टेप निकल भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितना भी सिलिकॉन अभी चिपका हुआ है वो ऐसे ही रहने दूंगा, और उसके ऊपर ही हम टेप लगा देंगे। गाइज मैंने अभी सोचा कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है, तो इसको देखिए, इसके काम देखिए हमारे निंजा टर्टल के। तो ये देखिए कहाँ पे जाके बैठा है यार, इसको सही नाम दिया है हमने। तो यार ये ऐसे भागेगा तो कैसे होगा, ये देखिए इसके ऊपर से तो बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। ये देखिए हमारा निंजा कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे भागता है, इसको ही पता यार। और हमारा बेबी टर्टल का ये देखिए, ये यहाँ पे ही है और ये भाग रहा है, यहाँ वहाँ ऐसे भी ढक के रखा है तो भी भाग रहा है यार, ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो चलिए अभी वापस काम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये देखिए अभी इसको देख के हमारा बेबी टर्टल भी अभी भागने की कोशिश कर रहा है।
खुद तो बिगड़ गया है लेकिन हमारे बेबी टर्टल को भी बिगाड़ा है। तो ये सुधरने नहीं वाला, लेकिन खैर बस ये किसी होल में जाके नहीं बैठना चाहिए, तो इसको जो करना है करने देंगे अभी फिलहाल, बाद में मैं इसको नीचे जाके बकेट में रख दूंगा। ये देखिए ये वापस आ गया, तो मैं इसको इसको निकाल लेता हूँ और हमारे ब्लड वर्म्स वाले बकेट में डाल देता हूँ ताकि ये यहाँ से निकल ही नहीं पाए। चलो अभी अभी नहीं निकल पाओगे, और इसको वापस ढक देता हूँ नहीं तो हमारी सिमरन जो है वो जंप कर देगी। ओके डन। यार ऐसे तो ये ड्रेन नहीं होने वाला, अभी ये देखिए इसका साइफन ही बंद हो गया क्योंकि थोड़ा उठा दिया था। मुझे ऐसे लगता है कि इसको स्कूप कर करके ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो यार ये बहुत टाइम खाएगा और बारिश आएगी तो सारा कुछ रुक जाएगा। तो आज मैं इसका क्लीनिंग कर लूँगा, बाद में कल के वीडियो में, हम कल ही होगा क्योंकि यार अंधेरा पड़ रहा है, तो इसको मैं पूरी तरह से क्लीन कर दूँगा, खाली कर दूँगा और ड्राई करने के लिए रख दूँगा, और फिर कल इसके अंदर टेप लगा देंगे। उसके बाद परसों या फिर उसके बाद हम दो दिनों के बाद इसमें हमारे फिशेज जो है वो ऐड कर देंगे। तो मैं इसको ठीक से क्लीन कर लेता हूँ। तो यार एक प्रॉब्लम हो चुका है, ये देखिए इसके अंदर से मैंने ये जो है इसके अंदर से ऐसे पानी डाला, तो ये कमज़ोर वाली साइड थी, वहाँ से देखिए सारी मिट्टी जो है वो निकल चुकी है, और ये बहुत ही बुरी बात है और डेंजरस भी है क्योंकि यार इससे हमारी जितनी भी डाली हुई मिट्टी है वो सारी निकल जाएगी, भाग जाएगी। तो यार ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, लेकिन ठीक है अभी पूरा पॉन्ड का ही काम करना पड़ेगा मुझे। गाइस ये देखिए मुझे कुछ दिखाई दिया है, ये देखिए कितना बड़ा श्रिम्प है, ये देखिए और एक था, ये देखिए यहाँ पे। वाह यार हमारे श्रिम्प्स भी इसमें बाकी है और भी ज़िंदा है, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और शायद इसके ऊपर अंडे हैं, तो यार इनको बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा। ये देखिए एक श्रिम्प यहाँ पे बड़ा वाला, और एक यहाँ पे है, और ये डॉक्टर फिश, तो इनको पकड़ के मुझे डालना पड़ेगा फिशेस के साथ। ये देखिए गाइस हमारे क्लाउन लोज भी मिल गई, कितनी बड़ी हो चुकी है। चलिए यार इसके फिंस जो है वो थोड़े ज़ख्मी दिख रहे हैं, शायद इसको कुछ लगा होगा, तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। यार गाइस मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए कितने सारे श्रिम्प्स हैं, मुझे उम्मीद ही नहीं थी, और साइज़ देखिए यार कितनी बड़ी बड़ी है, बहुत ही बड़े बड़े श्रिम्प्स हैं, फिश जितने बड़े बड़े हो गए हैं। देखिए ये देखिए ये ऊपर आपको दिख रहे हैं वो सारी श्रिम्प्स हैं, और ये देखिए हमारी लोच, ये दूसरी वाली लोच है जो कि साइज़ में बहुत बड़ी हो चुकी है। तो चलिए इनको अभी पानी में ऐड करते हैं। ये देखिए कितने सारे हैं, मुझे पता ही नहीं था कि इतने सारे श्रिम्प्स रहेंगे इसके अंदर। तो यार यही होता है, एक ट्रेजर हंट की तरह होता है कि आप जब चीज़ें ऐड करते हो आपके पॉन्ड में, तो ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलती है कि आपको सरप्राइज होते जाते हो कि यार ये भी है ये भी है, तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। और हमारी लोच यार क्या हुआ पता नहीं उसको, शायद ज़ख्मी हो गई होगी। तो खैर चलिए अभी थोड़ा पानी बचा है और मुझे बहुत सारे लीक्स दिख रहे हैं, तो उनको रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्लीनिंग पॉसिबल है तो वो सब कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस मैंने अच्छा खासा इसमें से पानी निकाल दिया है, मतलब कम्प्लीटली पानी निकाल दिया है, लेकिन ये थोड़ा वेट है तो आप देख सकते हो, और मैं आपको लीकेजेस दिखाता हूँ कितने ज़्यादा है। तो चलिए दिखाता हूँ, ये देखिए एक ये कितना बड़ा है, देखिए यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ी चिप निकली है यहाँ पे, तो ये देखिए कितना बड़ा है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है छोटा, यहाँ पे भी एक है, ये भी निकला था, ये भी निकला था, ये देखिए यहाँ पे भी एक छोटा है, क्यों समझ में आ रहा है, ये देखिए ऐसे पानी निकलता है यहाँ से, तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे लीकेज है। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक बड़ा लीकेज है, यहाँ से भी हट गया है सिलिकॉन, ये देखिए ये तो सबसे बड़ा लीकेज है, और इसमें से पानी भी निकल रहा है, अभी नीचे जा चुका होगा पानी, तो वो अभी वापस ऊपर आ रहा है। तो ये देखिए ये बहुत ही बड़ा टास्क होने वाला है अभी हमारे लिए, और ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा लीकेज है, उसी के साइड में एक लीकेज है। तो यार हमारे टर्टल्स ने तो पूरा ख़राब कर दिया, ये देखिए यहाँ के भी निकले हैं, ये तो बहुत सारे निकले, यहाँ का निकला है, यहाँ का भी एक, ये देखिए ये भी निकल ऑलमोस्ट निकल चुका है, ये देखिए यहाँ पे एक लीकेज है, यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे से बहुत सारे लीकेजेस हैं, आपको मैं दिखाता बैठूंगा तो आप बोर हो जाओगे। ये देखिए यहाँ पे भी एक बड़ा लीकेज है,
तो यार ऐसे बहुत सारे लीकेजेस हैं जिससे कि यार ये इतना ड्रेन हो रहा था। हाँ तो फाइनली मैंने इसको क्लीन कर दिया है। अभी राह देखेंगे यार, बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश होगी तो यार ये ड्राई नहीं हो सकता। और हमारा जो टैंक है, ये पॉन्ड है, वो बहुत दिनों के लिए ऐसे ही खाली पड़ा रहेगा, तो ये मैं नहीं चाहता। तो यार इसको जल्द से जल्द मुझे भरना है, और जो लीकेजेस है वो देखने हैं कि यार ये काम करते हैं या नहीं, और मुझे टेस्ट भी करना है कि वो जो टेप है ये वाला वो टिकेगा या नहीं, वो भी देखना है। तो खैर पॉन्ड तो खाली हो चुका है, अभी मेरे हाथ पैर सब कुछ दर्द करने लगा है, क्योंकि यार बहुत टाइम लगता है, जितना आपको लगता है उतना ईजी नहीं है। तो यार ऐसे कोई डिज़ास्टर आता है तो बहुत ही डेंजरस बात है। और ये मैंने रॉक वॉल बना तो लिया है, लेकिन ये बहुत ही हेवी है, निकालते टाइम तो ये टूटने ही वाला है। मैंने इसी हिसाब से बनाया था कि ये इजीली निकाल सकूं, लेकिन ये साइज़ का पॉन्ड जो है वो मिल ही नहीं रहा है मुझे। तो यार हालत बेकार हो गई है। तो अच्छा खासा मैंने क्लीन तो कर लिया है, लेकिन जैसे ही मेरा पाँव पड़ता है, ये देखिए ये पानी निकलता है यहाँ से, तो ये होता रहेगा हमारा टेप। फिंगर्स क्रॉस कि यार सूखने के बाद ये अच्छे से ग्रिप करे। और आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई है, बहुत ही डेंजरस, तो मुझे ये क्लीन करना पड़ेगा। अगर पापा भी ऊपर आएंगे तो वो फिसलेंगे, तो मुझे कोई भी चांस नहीं लेना है। तो ये भी सब क्लीन करना है, और इनको भी जाली लगानी है, और हमारा जो एक फिश है उसकी डेथ हो गई है। तो यार पता नहीं उसको कुछ लाल जख्म हुआ था, जैसे मैंने बताया कि उसके ऊपर कुछ लाल जख्म हुआ है, तो यार उसकी डेथ हो गई है। और श्रिम्प्स भी मुझे बहुत ज़्यादा मिले हैं, और इसको भी ढकना है। गाइज एक प्रॉब्लम हुआ है, अभी मैंने ये टेप को चिपका के देखा है, इस छपरी टेप को, लेकिन ये चिपक ही नहीं रहा है। तो यार ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि यार मैं सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड की थी मैंने। यार अभी क्या करूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और जो उम्मीद थी इस टेप से, जो रिव्यूज़ थे और इसके जो चीज़ें बताई थी, वो एक भी परफेक्ट नहीं है। थर्ड क्लास टेप है, ट्रस्ट में गाइस एकदम थर्ड क्लास टेप है, उससे अच्छा हमारा सेलो टेप इसको पूरा ठीक कर देगा, लेकिन ये छपरी टेप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता। तो यार खाली फोकट मैंने पैसे वेस्ट किए, बाकी कुछ नहीं। और हमारा पॉन्ड अभी क्या करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप भी मुझे आइडिया सजेस्ट कीजिए। और इसका लाइनर जो है वो मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो मैं वो ढूंढ लूँगा, और इसके पैचेस जो है वो ढूंढ के चेक करते कि वो ठीक से चिपकता है या नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे इसको ड्राई करना पड़ेगा। तो देखेंगे क्या क्या होता है यार, नहीं तो सिलिकॉन ही मुझे वापस यूज़ करना पड़ेगा, वापस वो निकल जाएगा, ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो अगर आपके पास कोई आइडिया होगा तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं वो ट्राई करूँगा और देखूँगा कि ये ठीक होता है या नहीं। नहीं तो यार ये बहुत ही बुरी चीज़ होगी हमारे पॉन्ड के साथ, इसको पूरा निकालना पड़ेगा, बहुत सारे काम हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे रुकूंगा, तो आज के लिए इतना ही, तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।